लोगों का स्वागत है मिस्टर स्कैल्पर की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं हमारा जो स्टॉक है आलोक इंडस्ट्रीज, इसके बारे में। दोस्तों, आलोक इंडस्ट्रीज एक ऐसा स्टॉक है जिसको हम काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहे हैं और बहुत ही वाइल्ड मूवमेंट जो है आलोक इंडस्ट्रीज दे रहा है पिछले कुछ दिनों में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आलोक इंडस्ट्रीज इस वक्त बीच में एक बहुत बड़ी रेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, उसके बिल्कुल बीचों बीच ट्रेड कर रहा है। अगर आलोक इंडस्ट्रीज़ ने इस रेंज का किसी भी साइड का अपसाइड का या डाउनसाइड का ब्रेकडाउन दिया तो ये बहुत बड़ा मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है। प्लस इसमें एक ऑपरेटर का गेम भी चल रहा है, वो क्या चल रहा है वो भी मैं चीज़ें बताऊंगा। प्लस आज क्या हुआ कि जिस वजह से आलोक इंडस्ट्रीज़ में इतना ज़बरदस्त रिवर्सल एक मोमेंट आया है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं ऐसे ही आपके लिए काम की और इम्पॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें आज आलोक इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिली, अगर आप देखें यहाँ से, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 25 25 एंड हाफ पे जो है ये नीचे आएगा तो ये नीचे 17-18 का लेवल दोबारा टेस्ट करेगा। ये मैंने काफ़ी आपको अच्छे से बोला था कि ऐसा हो सकता है, मगर इसने रिट्रेसमेंट दिया। आज के दिन इसने क्या किया, आज के दिन ये खुला लो नीचे तक नीचे भी गया, लेकिन उसके बाद इसमें ज़बरदस्त बाइंग आई। ठीक है, ज़बरदस्त बाइंग के साथ ये बिल्कुल ऊपर टॉप पे बंद हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल हम इसे कह सकते हैं डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो। आज पूरे दिन की अगर मैं आपको इसमें मूवमेंट दिखाऊं 5 मिनट की कैंडल में, तो आप देख सकते हैं नीचे की साइड इतना बड़ा जो है मूवमेंट। आप देख सकते हैं नीचे भी ये लगभग पूरा गया, ऊपर भी ये काफ़ी हद तक गया, और उसके बाद ये नीचे डिप मार के इसमें ज़बरदस्त बाइंग आई। बीच में थोड़ा रुका, ये फिर ज़बरदस्त बाइंग आई और ये ऊपर जाके सर्किट मार के, अपर साइड का सर्किट जो है वो मार के आराम से जो है अब आगे की ओर बढ़ चुका है। अब इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है। अब इस ट्रेंड लाइन का क्या मायना है, क्या चीज़ है इस ट्रेंड लाइन की, ये जो ट्रेंड लाइन है अगर आप देखें तो ये कहाँ से आती है, ये आती है लास्ट टाइम जो ऐसी ही एक बुलिश कैंडल बनी थी, और इस बुलिश कैंडल के बाद एक बहुत बड़ा मोमेंटम इसमें आया था। आप देखें, जब भी आलोक इंडस्ट्रीज़ में कोई ऐसी बुलिश कैंडल बनती है जिसका विक नीचे की साइड होता है, अपर साइड में कोई विक नहीं होता, उसके बाद काफ़ी अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिल जाती है। मगर आपको लेवल का ध्यान रखना है, अभी भी मैं कहूँगा, ठीक है, जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म इसे होल्ड कर रहे हैं, वो आराम से होल्ड कर सकते हैं, उनको कोई भी टेंशन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि भाई इन दी एंड ये स्टॉक जो है आपको 100 रुपये के लेवल एटलीस्ट 2021 में दिखाने वाला है। ठीक है, 2021 के एंड तक या 2021 के मिड तक 100 रुपये आपको आराम से इसमें देखने को मिलेंगे। आज इसमें मोमेंटम क्यों था और मोमेंट क्यों था, क्योंकि आज रिलायंस में मोमेंटम था, रिलायंस में मूवमेंट आई थी। तो रिलायंस में जब भी मूवमेंट आती है, जिन जिन स्टॉक्स में रिलायंस का स्टेक होता है, जैसे कि फ्यूचर ग्रुप हो गया अपना जो है, जितने भी रिलायंस में जिनका स्टेक है, वो सारे स्टॉक्स में मूवमेंट आती है, और आज भी इसमें अच्छी तरीके की बाइंग आई है। अब इस बाइंग से क्या होता है ना दोस्तों, कि बाइंग आती है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यहीं से रिवर्स हो जाएगा, ये होगा वो होगा। अभी आपको कुछ नहीं करना है इस स्टॉक में। 25 एंड हाफ, ये जो मैंने लाइन बना रखी है 25.40, इस लेवल को, इस स्टॉक को ब्रेक करने दीजिए, और ये स्टॉक जब ये मोमेंट ब्रेक करेगा तो इसमें जो मोमेंटम होगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा, और मिनिमम टारगेट आपको 34 रुपीज़ के देखने को मिलेंगे इसमें। मिनिमम 33-34 के टारगेट आपको इस स्टॉक में बहुत ईजीली देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको अभी कुछ नहीं करना है, रिवर्स हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल है कि इसने बीच में से रिवर्स किया है, मतलब इसमें इतनी स्ट्रेंथ है, बाइंग पावर इतनी ज़्यादा है इस वक्त इसमें, तो ये बहुत अच्छा सिग्नल है आलोक इंडस्ट्रीज़ के लिए। मगर इसे हमें इसमें एंट्री तब करनी है जब ये 25 साढ़े 25 को तोड़ेगा, और इससे हमें निकलना कब है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, नहीं निकलना है, बिल्कुल भी नहीं निकलना है आलोक इंडस्ट्रीज से। बहुत अच्छा मोमेंटम आलोक इंडस्ट्रीज़ में हमें मिलेगा,
इस साल के एंड अगर आप लंबी पिक्चर देख रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 साल, अगर आपको रामदेव अग्रवाल जी की बात याद हो तो इस मोमेंटम से आप इसे पकड़ के रखिए, 3 से 4 सालों में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न आपको आलोक इंडस्ट्रीज में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये थी आज की आलोक इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी काम की और इन्फॉर्मेशन वीडियो वाली लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।